मुन्ना जी कल बता रहे थे कि आपकी सपना है मुख्यमंत्री जी से मिलना। आप मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं, बगल में मुख्यमंत्री बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीता हुआ कल ही तो अपना था, लेकिन आने वाला कल एक सपना है। लेकिन आज मेरे लिए वो सपना हकीकत में बदल गया कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी एक भाई की तरह हमसे एकदम गले लग के, मतलब एक इस तरह से फीलिंग हुआ कि हम एक परिवार से हैं। सोचे थे कि ऐसा संभव हो पाएगा कि आप मुख्यमंत्री आवास में जाकर ऐसे मुलाकात करेंगे, और वो भी इतनी देर, एक घंटे से आप बातचीत कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिबू सोरेन के दो दो बेटे हैं इस तरह से लोग कमेंट्स करने लगे, कोई मेला में कहीं बिछुड़ गए थे, हो सकता है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे वो। मैं बचपन में सुनता था कि शिबू सोरेन जी के जैसा दिखने वाला बहुत सारे लोग झारखंड में हुआ करते थे। आज मुझे भी ये लग रहा है कि मेरे जैसे भी लोग हैं या उनके जैसा मैं हूँ, ये मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक पापा का जब दाढ़ी बढ़ा, मतलब कि जब उनका धीरे धीरे लुक आने लगा, तो उस टाइम मैंने इनका भी फोटो देखा था, तो इनका एकदम सेम लुक मैच हो रहा था। तो मैंने पहले बोला कि आप मुख्यमंत्री के जैसे दिखते हैं या मुख्यमंत्री आपके जैसे दिखते हैं, लाइक पूरा कंफ्यूज्ड हो गया था। फिर मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड लोग मुझ में कमेंट करने लगी, तुम सीएम की बेटी हो, सीरियसली। मुन्ना लोहरा जी इस क्षेत्र से रंगमंच की चीज़ों को और आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, अगर उसमें हमारी कोई सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ इनके लिए हम काम करेंगे। मुन्ना लोहरा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हम शक्ल हैं, उनकी स्टोरी मैंने आपको दिखाई थी। उन्होंने इच्छा जताई थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने फॉलोअप की जब वो खबर देखी तो उन्होंने खुद से इच्छा जताई कि वो मुन्ना लोहरा से मुलाकात करने चाहते हैं। और देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुन्ना लोहरा को सम्मानित कर रहे हैं, उनकी बेटी को टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं, शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। पहली बार जब आप देखे तो क्या एक्सप्रेशन रहा, कितना लग रहा है कि मिल रहे हैं मुन्ना जी? बैठो तुम। अब हालांकि आप लोगों ने इनको इतना पहले ही खबरों में छाप दिया तो आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन मिलने के बाद और बहुत सारी बातें सुनने के बाद लोहरा जी रंगमंच के कलाकार हैं और अपनी कला के लिए ये ना जाने कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पारिवारिक रूप से भी रंगमंच से जुड़े लोग इनके साथ हैं और मुझे लगता है इनके पूरे पारिवारिक धरोहर को ये कंधे में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहले बात तो मेरी ओर से इनको बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगा कि वाकई में पहले मैं बचपन में सुनता था कि शिबू सोरेन जी के जैसा दिखने वाला बहुत सारे लोग झारखंड में हुआ करते थे। आज मुझे भी ये लग रहा है कि मेरे जैसे भी लोग हैं या उनके जैसा मैं हूँ, ये मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो सामने मुन्ना लोहरा जी हैं और हम चाहेंगे कि ये अपने कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। मेरी ओर से शुभकामनाएं इनको है, इनके परिवारजनों को है, और मैं भी चाहूँगा कि मुन्ना लोहरा जी इस क्षेत्र से
रंगमंच की चीज़ों को और आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, अगर उसमें हमारी कोई सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ इनके लिए हम काम करेंगे। एक आम व्यक्ति जिन्होंने मिलने की इच्छा जताई, आप घर बुला लिए। मुझे याद है कोरोना काल का, एक रिक्शा चालक का रिक्शा चोरी हो गया था, आप एक घंटा इंतज़ार किए, बुला कर उसको दिए। यही संवेदनशीलता के लिए हेमंत सोरेन जाने जाते। देखिए, मैं इस राज का या इस राज से अलग नहीं हूं। मेरे इस रग में झारखंड की आबो हवा है, झारखंड की जनता जन और राज के आम लोगों की आशा उम्मीदें हैं, और ये शरीर जरूर मैं एक हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री के रूप में हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा इसको बनाना, तरासना, यहाँ तक पहुँचाने का और एक जिम्मेदारी सौंपने का काम इस राज्य के लोगों ने किया है, और इनके प्रति संवेदनाएँ ना हो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मेरे इस जीवन काल में हो सकता। बिल्कुल, मुन्ना जी कल बता रहे थे कि आपकी सपना है मुख्यमंत्री जी से मिलना। आप मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं, बगल में मुख्यमंत्री बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीता हुआ कल ही तो अपना था, लेकिन आने वाला कल एक सपना है, लेकिन आज मेरे लिए वो सपना हकीकत में बदल गया कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी एक भाई की तरह हमसे एकदम गले लग के, मतलब एक इस तरह से फीलिंग हुआ कि हम एक परिवार से हैं, और इनकी जो बोलने का और मतलब बात करने का लहजा मुझे काफ़ी पसंद आया। मुझे ऐसे लगे कि घर में ही दादा के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सोचे थे कि ऐसा संभव हो पाएगा कि आप मुख्यमंत्री आवास में जाकर ऐसे मुलाकात करेंगे, और वो भी इतनी देर, एक घंटे से आप बातचीत कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम मतलब शायद भगवान ऊपर वाला का देन था कि इस तरह के एक हम शक्ल, मतलब कि हमारे राज्य के मुखिया जी के साथ मिलता जुलता, और इतने अप्रिशिएट कर दिए लोगों ने कि भाई वाकई में अब हमारे गुरुजी शिबू सोरेन के दो दो बेटे हैं। इस तरह से लोग कमेंट्स करने लगे, कोई मेला में कहीं बिछुड़ गए थे, हो सकता है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे वो, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बोले कि भाई कुंभ मेला में कहीं खो गए थे। अभी तो चुनाव का वक्त आ रहा है, तो बहुत कार्यक्रम करना है मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जहाँ मौजूद नहीं रहे आप मौजूद रहें वहाँ? मैं तो इस तरह से कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इनका क्षेत्र को आप मत छीनिए और इनको इनके क्षेत्र में रहने दीजिए, और ये अपना ये में लगे रहें, हमारी शुभकामनाएं होंगी। आप भी कल बता रही थी कि बहुत बड़ी प्रशंसक है मुख्यमंत्री जी। ये देखिए हमारा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था इनसे मिलने का, मतलब कि घर पे भी जब लाइक पापा का जब दाढ़ी बढ़ा, मतलब कि जब उनका धीरे धीरे लुक आने लगा, तो उस टाइम मैंने इनका भी फोटो देखा था, तो इनका एकदम सेम लुक मैच हो रहा था। मैंने पहले बोला कि आप मुख्यमंत्री के जैसे दिखते हैं या मुख्यमंत्री आपके जैसे दिखते हैं, लाइक पूरा कंफ्यूज हो गया था। तो हर जगह फिर मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड लोग मुझ में कमेंट करने लगी, तुम सीएम की बेटी हो सीरियसली। फिर पापा कभी कभी लाइक सुबह में अगर लेट हो जाता था तो मेरे को ड्रॉप करने स्कूल आते थे, तो मेरी फ्रेंड लोग उस टाइम भी देख के मुझे मतलब कहती थी कि तुम लिटरली सीएम की बेटी हो, तुम्हारे पापा से एक बार तो मिलेंगे हम लोग मिलेंगे। तो बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार इस वक्त मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आ रहा है, एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो यही मैं दिखा रहा था, ऐसा कोई खास नहीं।
तो बिल्कुल देखिए, एक परिवार, एक आम नायक बस्ती के रहने वाला फैमिली जिसका एक व्यक्ति जो मुन्ना लोहरा जी हैं, उनका शक्ल मुख्यमंत्री जी से मिलता था और उन्होंने इच्छा जताई और आज उनकी इच्छा मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें घर पर बुलाकर पूरी कर दी है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.